स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर 10 के आगे का पार्ट, जिसमें क्या है शेप्स एंड सॉलिड्स। तो पहले हम देखेंगे प्लेन फिगर्स। फॉलोइंग फिगर्स आर कॉल्ड प्लेन फिगर्स, जिसमें कि हमारा ये है रेक्टेंगल, दिस वन इज स्क्वायर, इट हैज़ फोर साइड्स, रेक्टेंगल हैज़ फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल में फोर साइड्स होती हैं एंड फोर कॉर्नर्स होते हैं। दिस इज स्क्वायर, इट हैज़ फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स। दिस इज सर्कल, इट हैज़ नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स, इट गोज राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड होता है। दिस वन इज ट्राइंगल, इट हैज़ थ्री साइड्स एंड थ्री कॉर्नर्स। नाउ द लास्ट वन, दिस इज ओवल, इट लुक्स लाइक्स एन एग, एग की तरह लुक दिखता है ये। It has no sides and no corners. It goes round and round. And this one is also goes round and round. आगे देखते हैं। See the objects given below. Write the shape and number of sides and corners. Object देखना है जो हमें दिया गया है, उसका shape देखना है और उसकी sides and corners बतानी है। Shape triangle. ऑब्जेक्ट हमारा दिया गया है बोर्ड, शेप ट्राइंगल, थ्री साइड्स एंड थ्री कॉर्नर्स। शेप दिया गया है एनवेलप, शेप है रेक्टेंगल, फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स। काइट, शेप स्क्वायर, फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स। क्लॉक, शेप इज सर्किल, नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स, इट गोज राउंड एंड राउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा शेप्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।